अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ पाउंड केक थ्री लेयर्स वाला। कैस्टर शुगर लेंगे एक कप, मैदा लेंगे एक कप, दूध लेंगे 8 खाने के चम्मच, एक कप तेल लेंगे, नमक लेंगे एक चुटकी, डार्क चॉकलेट लेंगे और उसे मेल्ट कर लेंगे, अंडे लेंगे 2 अदद, कोको पाउडर लेंगे 2 खाने के चम्मच, बेकिंग पाउडर लेंगे 1/2 टेबल स्पून, वनीला एसेंस लेंगे 2-3 कतरे, एक बाउल लेंगे उसमें अंडे डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पाउडर शुगर ऐड कर लेंगे, जिसे आप कैस्टर शुगर भी कहते हैं। हाफ ऑफ करके इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। आप ऑयल की जगह बटर भी डाल सकते हैं और घी भी। दूध डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। नमक, वनीला एसेंस, अब इसमें आधा आधा करके मैदा शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें ताकि कोई लम्स इसमें ना रह जाए। ग्रेटेड चॉकलेट के अंदर 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर डाल के मिक्स कर लें। अब हम इस मिक्सचर को 3 जगह डिवाइड कर लेंगे। 2-2 ये पौवे में डालूंगी। सबसे पहले डार्क चॉकलेट डालकर मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे साइड पर रख देंगे और अब सिर्फ कोको पाउडर डालूंगी इसमें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूंगी। तीन जगह अच्छे से डिवाइड हो गए। अब इसे सांचा लेके उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लूंगी ऑयल के साथ। आप चाहे घी के साथ भी कर सकते हैं और ऑयल के साथ भी। सबसे पहले डार्क चॉकलेट डालूंगी और अब कोको पाउडर मिक्सर डाल दूंगी और अच्छे से इसे मिक्स कर लूंगी, बराबर कर लूंगी। अब हमारा सिर्फ वनीला वाला मिक्सचर रह गया है, वो भी डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से बराबर कर लूंगी। अच्छे से करके और इसे थोड़ा टैप करेंगे ताकि इसमें एयर बबल्स निकल जाए। और हमारा केक बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसको आपको काट को दिखाऊंगी। कितने मज़े से ये कट हो रहा है और कितना सॉफ्ट बना है। इसकी 3 लेयर्स कितने मज़े की आई हैं। तो बहुत ही डिलीशियस हमारा केक तैयार हो चुका है 3 लेयर्स वाला। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।